हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैं अपने कल की वीडियो में बताया था कि मोल कंसेप्ट के बेस पे मैं आपको न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, तो यहाँ मैं कुछ जनरल न्यूमेरिकल्स सीखा हूँ, सॉल्व किया हूँ। इसके अलावा एक न्यूमेरिकल्स, दो न्यूमेरिकल्स जो भी आएगा वो एनसीईआरटी बेस पे बताएंगे। कल मैं आपको बताया था कि मोल कंसेप्ट क्या होता है, मोल कंसेप्ट पे कैसे न्यूमेरिकल्स लगाए जाते हैं। लेट अस सी न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर वन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एसटीपी ऑक्युपाइड बाय 6.022 इनटू 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एक्स। कोई गैस एक्स है जिसके मॉलिक्यूल्स की संख्या दी गई है 6.022 इनटू 10^23, और इसी मॉलिक्यूल्स के बेस पे हमको उस गैस का वॉल्यूम एसटीपी में फाइंड करना है। तो लेट अस सी क्या करेंगे। एज वी नो दैट इज नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस x डिवाइड बाय 6.022 इनटू 10^23, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज गिवन ऑलरेडी इन द क्वेश्चन। n इक्वल टू 6.022 इनटू 10^23 डिवाइड बाय 6.022 इनटू 10^23। तो जब हम सॉल्व करेंगे n की वैल्यू, तो n इक्वल टू 0.1 मोल आ गया। तो सबसे पहले हम n इक्वल टू 1 मोल कैलकुलेट कर लेंगे। Now, इसके बाद हमें फॉर्म में पता है कि किसी भी गैस के एक मोल पे जो STP का वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। वही चीज मैं बता रहा हूँ। Again we know that n is equal to volume of the gas x at STP कितना होता है, ये दिया हुआ है, अभी इससे वैल्यू भी फाइंड करेंगे, डिवाइड बाय 22.4। तो n की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 0.1 मोल, दिस वैल्यू इज गिवन। तो n की जगह हम लिखेंगे 0.1, और वॉल्यूम ऑफ द गैस एट x एट STP हमको फाइंड करना है डिवाइड बाय 22.4। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द गैस x एट STP क्या होगा, 22.4 * 0.1 व्हिच इज इक्वल टू 2.24 लीटर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो क्वेश्चन था, कैलकुलेट द वॉल्यूम एट STP ऑक्युपाइड बाय 6.022 * 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस x, तो हम कह सकते हैं कि 2.24 लीटर ऑफ गैस x एट STP ऑक्युपाइड 6.022 इनटू 10^23 मॉलिक्यूल्स। अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम मोल कांसेप्ट के बेस पे न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। चलिए मैं तो आपको दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, व्हिच इज बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी। क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1.33 ऑफ एनसीईआरटी। इस क्वेश्चन में तीन पार्ट हैं। पहले पार्ट में निकला फाइंड करना है 52 मोल्स ऑफ हीलियम इज इक्वल टू हाउ मेनी एटम्स। सेकंड पार्ट पूछा है कि 52 यूनिट ऑफ हीलियम इज इक्वल टू हाउ मेनी एटम्स ऑफ द हीलियम, और थर्ड पार्ट पूछा है 52 ग्राम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू हाउ मेनी एटम्स। तो नंबर फर्स्ट, पहला कह रहा है सिंस वी नो दैट कि 1 मोल ऑफ हीलियम में जो एटम्स की संख्या होती है वो 6.022 इनटू 10^23 एटम्स, तो वी कैन से दैट इज देयरफॉर 52 मोल्स, 1 मोल की वैल्यू थी 6.022 इनटू 10^23, तो देयरफॉर 52 मोल्स की वैल्यू हो गई 52 इनटू 6.022 इनटू 10^23 एटम्स। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.131 इनटू 10^25 एटम्स। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट। वी नो, हमको पता है कि 1 एटम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 4 यूनिट ऑफ हीलियम बिकॉज़ द एटॉमिक मास ऑफ हीलियम एटम इज 4 यूनिट। ये हम इसे कहते हैं r 4 यूनिट ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 1 एटम ऑफ द हीलियम। तो 52 यूनिट ऑफ द हीलियम इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 52/4 इक्वल टू 13 एटम्स ऑफ द हीलियम एटम। तो ये हो गया सेकंड आंसर। 52 यूनिट ऑफ हीलियम में कितने एटम्स होंगे, 13 एटम्स ऑफ द हीलियम। नाउ द लास्ट वन, 1 मोल ऑफ हीलियम जिसे हम कहेंगे 4 ग्राम, अगर हम इसका ग्राम एटॉमिक मास करें तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द हीलियम एटम इज इक्वल टू 4 ग्राम, जिसकी वैल्यू होगी 6.022 इनटू 10^23 एटम्स। तो देयरफॉर 52 ग्राम, 4 ग्राम की वैल्यू थी 6.022 इनटू 10^23 एटम्स, देयरफॉर 52 ग्राम ऑफ द हीलियम एटम की वैल्यू हो गई 52/4 into 6.022 into 10^23, this value will be 13 into 6.022
18 × 10⁻³ आइटम्स, और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 7.8286 × 10⁻⁴ आइटम्स। दिस इज द आंसर नंबर मींस दिस इज द आंसर ऑफ द थर्ड पॉइंट। तो इस तरह से हम मूल कांसेप्ट के बेस पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी में 2-3 क्वेश्चंस ऐसे दिए गए हैं जिसको जो मूल कांसेप्ट पे डिपेंड है, इस तरह से हम मूल कांसेप्ट के बेस पे क्वेश्चंस लगा सकते हैं।